हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों ये वाली मूवी कंप्लीट हो गई, अभी नंबर आया है दिलेर डेयरिंग मूवी का। तो ये देखते हैं ये कैसी मूवी है, प्ले करें। युग पहले कई नक्षत्र मंडल से गंगा को धरती पर भेजने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। आकाश से बहने वाली महाद्रुत गंगा को स्वयं शिव जी के सिवा धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए अपने प्रतिरूप में अपनी आत्मशक्ति से एक आत्मलिंग बनाकर शिवजी ने भगीरथ को दिया। गंगा तो धरती पर उतर आई, पर आकाश गंगा को धरती पर लाने के लिए अद्भुत शक्तियों वाला आत्मलिंग इस विशाल विश्व में धरती पर कहीं खो गया, कहानी बनकर रह गया, दुनिया उसे भूल चुकी है। तांत्रिक तालपत्र ग्रंथों में एक रहस्य बताया गया है। शिवजी द्वारा निर्मित आत्मलिंग की महाशिवरात्रि 72 वर्ष में एक बार आती है। उस दिन उस अद्भुत लिंग को महाशक्तियां प्राप्त होती हैं, मनुष्य को वो दिखाई देता है। उस मुहूर्त पर जो भी उस आत्मलिंग को प्राप्त करेगा वो आकाश गंगा को वापस धरती पर बुला सकेगा। उस पवित्र गंगा जल को पीने वाला मनुष्य अमर होकर दोनों लोकों पर शासन करने वाला बनकर ग्रहों की गति बदलने वाला महाशक्तिमान बन जाएगा। कुछ स्वार्थी लोग उस आत्मलिंग को पाकर मृत्यु को जीतने के लिए कई सदियों से प्रयत्न कर रहे हैं। उस प्रयत्न में एक प्रलव महाशिवरात्रि के दिन लिंग मूर्ति की गुफा बहुत ही खतरनाक रास्ता है। पूजा का सामान संभाल कर। चिंता मत करिए, सब संभाल कर रखा। चलिए चलते हैं। रुको, कहाँ चले? हिलना मत, यहाँ सामान्य मनुष्य का आना मना है। तुम यहीं रुको। ओके ओके, कैरी ऑन। शिवजी के अभिषेक के लिए नव पदार्थ दो। पागल इंसान, उस आत्मलिंग को इस गंधर्व हल्दी पवित्र कुमकुम नागनंदी गंगा जल से अभिषेक करने के बाद ही उस महालिंग को छू पाएंगे, अपने वश में कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उस शिव मूर्ति का बचाव करने वाली अमोघ शक्तियां हम पर हमला कर देंगी। तुम यहीं रुको। ओम जगता माता भी स्वाहा। शिवा।
मुहूर्त शुरू हो गया है। मुहूर्त शुरू हो गया स्वामी जी। स्वामी जी जल्दी करो। स्वामी जी मुहूर्त निकलता जा रहा है। अभिषेक के बिना इस आत्मलिंग को छू नहीं सकता। देर हो रही है। अभिषेक के बिना ही इस आत्मलिंग को प्राप्त करना होगा। देर हो रही है। पावर है पंडित होशियार है।
क्या मूवी की शुरुआत हुई है यार। यहाँ पर तो एकदम ही सांप है भाई, बड़ा कुछ जादू चल रहा था। पंडित को भी कुछ पता था कि यहाँ पे कुछ करेंगे अभिषेक तो फिर ये पत्थर मिलेगा, पर देखा वो गिर गया सामान तो पंडित ने शिवजी वाली चादर ओढ़ ली भाई, वहाँ पे शिवलिंग की तस्वीर दी तो ये जो मॉन्स्टर था ये तो रुक गया। पर पंडित भी बेचारे इतने बड़े नाखून थे, चादर खिसक गई तो हो गया काम तमाम उसका। लेकिन ये हरामी था, ये उठा के भाग गया। पर भाई क्या, उसके बाद तो कोई मंत्र भी नहीं था, बेचारे को फिनिश कर दिया। बाकी यार जो फर्स्ट पार्ट है ना, बड़ा दिलचस्प लग रहा है यार इस मूवी का। मैं भी देख कर आज हैरान हो गया, क्या यार आज की मूवी की शुरुआत हो गई है। ये पत्थर था शिव जी का, वो उठाने आए थे। ये पंडित भी भाई क्या चालाक था भाई, ये शिव जी का एक चादर ओढ़ दी भाई, उसमें शिव जी था, वो हथियार भी रुक गया भाई। फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा लगा, खास कर वो पंडित ने जो काम करने के लिए जो आया था वो सामान ही गिर गया था पूजा का। फिर लास्ट में हमने देखा वो चादर शिव जी की ओढ़ कर वो इतना बड़ा राक्षस था, वो भी ऐसे जा रहा था तीर की तरह भाई, जैसे वो चादर गिरी भाई पंडित को ही निपटा डाला और दूसरा पंडित को दिया सामान, उसको सांप खा गया। ये तीसरा जो भाई साहब था ये घोड़े वाला, इसे बोल रहा था मैं निकल जाऊंगा, वो भी भाई शक्तियाँ हैं कहाँ छोड़ेगी, उसको भी निपटा डाला भाई। पंडित ने बड़ी चालाकी की, पर वो भी हरामी था मोस्टर, जहाँ कहीं छोड़ना नहीं भाई, मज़ा आ गया देख कर। मैं भी हैरान हो गया भाई, कैसा मोस्टर था और भी बड़ा हरामी था, आकर ले लिया अपना वापस अंडा। हाँ भाई खतरनाक है सीन हो गया, देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट का क्या होगा।